महाराष्ट्र में उद्धव सरकार ने वीवीआईपी नेताओं की सुरक्षा में कटौती कर दी है। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले, एमएनएस चीफ राज ठाकरे, सबकी सुरक्षा में कटौती की गई है, घटा दी गई है सबकी सुरक्षा। फडणवीस की सुरक्षा जेड प्लस से घटाकर वाई प्लस कर दी गई है। आठवले और राज ठाकरे की सुरक्षा में भी कमी की गई है, वाई प्लस सुरक्षा अब उनको दी गई है, यानी कि सुरक्षा घटाकर वाई प्लस कर दी गई है। कमलेश सुतार हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। दलील क्या है सरकार की इसके पीछे कमलेश? देखिए नवजोत, जब सिक्योरिटी दी जाती है इसका एक पीरियोडिक रिव्यू होता है हर एक पीरियड के बाद में, जिन कारणों की वजह से सुरक्षा मुहैया कराई गई थी उन सुरक्षा कारणों का रिव्यू किया जाता है। और महाराष्ट्र सरकार ने इस पीरियोडिक रिव्यू के बाद में, जबकि देवेंद्र फडणवीस जब नेता प्रतिपक्ष बने थे तब एक महाराष्ट्र सरकार के पास दलील दी गई थी कि उनकी जान को खतरा है, और अब इसका रिव्यू किया गया है और इसके चलते अब ये सिक्योरिटी कम करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही साथ देवेंद्र फडणवीस के साथ साथ उनकी पत्नी अमृता फडणवीस की भी सिक्योरिटी कम कर दी गई है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मुखिया राज ठाकरे की भी सिक्योरिटी कम की गई है। हालांकि बीजेपी ने उस पर हमला बोला है क्योंकि भारतीय जनता पक्ष के कई सारे नेता इसमें शामिल है। देवेंद्र फडणवीस के साथ ही साथ विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष प्रवीण दरेकर हो, प्रसाद लाड हो, चंद्रकांत पाटिल जो राज्य इकाई के अध्यक्ष, इनकी भी सिक्योरिटी कम की गई है। और भारतीय जनता पार्टी ने इसे बदले की राजनीति कहा है और कहा है कि सरकार विपक्ष की आवाज दबाना चाहती है, इसलिए ये सिक्योरिटी कम करने का निर्णय लिया है। चलिए, सियासत एक तरफ लेकिन सरकार भी अपनी दलील इसको देकर दे रही है, लेकिन आने वाले समय में जरूर लग रहा है कमलेश की इसको लेकर सियासी हंगामा तो होगा ही। आप रहिए हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त पूरी जानकारी हमें इस मामले में दे रहे थे।